नमस्कार आदाब, मैं इस्लाम अंसारी स्वागत करता हूँ आप सबका जन जागृत न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबर। प्रयागराज मांडा भारतगंज टाउन एरिया में विगत दिनों मरीज मिलने से हड़कंप मच गया था। उस मरीज के 9 दिनों बाद घर वापसी हुई। उस मरीज राम प्रकाश से बात करने पर पता चला कुछ और तकलीफ थी। रिपोर्ट कोटवा एलएन हॉस्पिटल से निगेटिव आने पर घर वापस भेज दिया गया। बात करने पर मालूम हुआ कि क्वारंटाइन के बाद प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली। बता दें कि इनकी भाभी 3 दिन पहले मरीज पाई गई थी, हॉस्पिटल प्रयागराज भर्ती किया गया है। इनके भाइयों द्वारा बात करने पर पता चला प्रशासन के आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। वहीं उनके बड़े भाई कमलेश गुप्ता का इस मामले में क्या कहना है, जानते हैं इस वीडियो को देखकर। 9 दिन रहे, आवाज था तेज रखिएगा। 9 दिन रहे, 9 दिन रहे वहाँ पर आप। तो 9 दिन में कितना आपको वहाँ पर कितनी बार इलाज के लिए आए, डॉक्टर देखे और कितने कौन कौन सी दवा चलती रही, कुछ पता है इसके बारे में? दवा का दिन भर में 2-3-4 बार चेक करने के लिए आते थे। जो दवा खास सर्दी खांसी बुखार का दवा, यही सब दवा मिलता था उस टाइम। सर्दी खांसी बुखार का दवा आपको मिलता था? हाँ। तो आपको यहाँ सर्दी खांसी बुखार हुआ था? यहाँ पे नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ जाने पर थोड़ा सर्दी हुआ, खांसी आने चालू हुआ। अच्छा, यहाँ पर कुछ नहीं था? नहीं, वहाँ पर जाने के बाद सर्दी खांसी आपको शुरू हो गया? थोड़ा खांसी चालू हुआ तो खांसी का दवा सिरप दिए, दवा दिए। अच्छा, दवा दिए थे, सिरप दिए थे। हाँ। तो कितना दिन खाया आपने दवा? खाया 4-5 दिन। 4-5 दिन दवा खाए आप सर्दी खांसी बुखार का? तो फिर चेक आपका कब हुआ था, रिपोर्ट कब आई आपकी? रिपोर्ट हमारा कल हुआ, बुधवार को। बुधवार रिपोर्ट आपका निकाला गया। और कब छोड़ा गया आपको? कल ही छोड़ दिया। अच्छा, बुधवार को ही छोड़ दिया गया। कितने बजे आप घर पहुंचे यहाँ पर? रात के 11 बजे। रात को 11 बजे? तो वहाँ से एम्बुलेंस लेके आई थी? एम्बुलेंस। आवाज बहुत स्लो आ रहा है आपका। अरे फर्जी ले जाके सब चुतिया बना रहे हैं सब। आपको कहने मतलब ये है कि आपको फर्जी उठाया गया, फर्जी ले जाया गया, चुतिया बना रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं आप? वही तो है ना, फर्जी तो ले जाया। तो ये बताइए, आप लोग को सील किया गया था, आपके परिवार सील किया गया था, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि उसके बाद आपको जो सील करने के बाद जो भी आपको मिलना चाहिए सुविधा वो मिला? क्या सुविधा मिला? ये बल्ली लगा दिए और सिर्फ बदनामी दिखा रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्या सुविधा हमको क्या मिल रहा है बताओ भाई? आपको राशन पानी जो भी मिलना चाहिए सुविधा? कौन दे रहा है हमको राशन पानी? आप अपने परिवार से अवगत हुए, सब पर बात किया था आपने? आपके परिवार बताया आपको क्या हमको मिला या नहीं मिला? परिवार ने आपसे बताया कुछ? अरे परिवार का परिवार कुछ लेने जाता है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है तो परिवार से क्या बात? नहीं, परिवार कुछ लेने भी जा रहा है कहीं तो उसको कुछ नहीं मिल रहा है, बाकी पहुंचा कोई नहीं रहा है। कोई पहुंचा घर वाले खुद ही दुकान पे जाए, बोलते मत जाए दुकान मत आओ। अच्छा, दुकान वाले भगा रहे हैं? ये हालात यहाँ की, ये है नगर पंचायत भारजन टाउन एरिया। जैसा कि आप इनके बड़े भाई हैं, आपकी पत्नी भी गई हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहें, कल तो आपको तो सारी बात बताई गई जी, उसके बाद भी मतलब हमने आपको सारी बात बताई कि उनको कान का इन्फेक्शन था, कान का हम अस्पताल से इलाज करा रहे जी। लेकिन उनका कान का एक बार ऑपरेशन भी करा चुके हैं शुरू प्राणी अस्पताल में, लेकिन अभी तक उनका ठीक नहीं हुआ। अब वही जो उसके वजह से पॉजिटिव बताया गया है, बाकी उनको कोई भी इन्फेक्शन है नहीं। अच्छा, तो फिलहाल आप लोग क्वारंटीन हैं, इस क्वारंटीन होने के हिसाब से आप लोग को जो सुविधा चाहिए उसके लिए कुछ आपको मिला? सुविधा क्या मिलेगा, सुविधा हमको कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि बाजार में जाओ तो दुकान वाले सीधा बोलते हैं इधर बाहर मत निकलो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। तो ईओ साहब से आपने बात नहीं किया? ईओ साहब को हमारे पास कोई नंबर नहीं है। कोई नंबर नहीं है आपको? इस तरह से आपको आप लोग को बस सील कर दिया गया है जी। आप हैं कैलाश गुप्ता जी? जी, आप उनके बड़े भाई हैं? हाँ, मैं बड़ा भाई हूँ कमलेश गुप्ता। जिस दिन से लॉकडाउन यहाँ लगा है, जिस दिन से बात बल्ली गड़ा है, हमारे पास आटा गेहूं तो था, आटा नहीं था। किसाने के लिए जा रहा तो उधर मोहल्ला वाले भगा दिए कि नहीं तुम जाओ यहाँ से, इधर जा रहा हूँ। तो इधर ईओ साहब से बात हुई, उनको फोन किया, हमारे मेंबर साहब नंबर दिए, ईओ साहब से बात कर लो। 3 दिन तक दौड़ाए ना कुछ, बोले हाँ सब व्यवस्था हो रही है, सब व्यवस्था हो रही है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं।
न कोई सामान न कोई, आज तक आज 10 दिन हो गए आज तक कोई पूछने नहीं आया कुछ है कि नहीं है तुम्हारे पास। ये तो अच्छा हुआ मोहल्ला वाले जो हमारे मुसलमान भाई है उन्होंने हमारा साथ दिया, हमको सामान पहुँचाए, वो लोग आटा भी पिसवाए, वही लोग हमारा ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे भीख दो, जो हमारे पास है पैसा लेकिन सामान मिल नहीं पा रहा है, सामाजिक बहिष्कार एक तरह से हो रहा है। हाँ हमारा सहयोग किया मुसलमान भाई, बाकी जो नगर पंचायत तो ऐसे किसी तरह से कोई सहयोग नहीं, नगर पंचायत इतना जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है बोलने को सब बोलते हैं, नेता बोलते हैं, सरकार बोलती है कि हाँ हम सब सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन जो देख रहा हूँ हमारे यहाँ कोई सुविधा कुछ नहीं है, जब से चालू हुआ है केवल जो चावल मिल रहा है फ्री में वही मिल रहा है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं देखा कि हमें कुछ दिया गया हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह से? ना तो हमारे विधायक ना सांसद कोई कुछ नहीं आए, पैसे का कोई मदद नहीं, ना तो उनका प्रतिनिधि कोई दिखाई देता है, आने को बोलते हैं जब आए हाँ हम सब करेंगे लेकिन कोई कुछ नहीं करता, दिखाई नहीं दे रहा कि कोई कुछ किया हो। तो आपके साथ मामला जो घटित घटना घटी है इससे आपको क्या लगता है? इससे हमें बहुत तकलीफ हुई, ये लोग वोट लेने के लिए समय पर आएंगे 5-5 करोड़ रुपया खर्चा कर देंगे, लेकिन आज जब गरीब आदमी को समय आया उनको देने के लिए तो कोई नहीं दिया। ये तो अच्छा हुआ कुछ हमारे अमीर भाई मदद किए शुरुआत में, इधर सत्तार सेठ मदद किए और उधर सोहरा थोड़ा कुछ बांटे जो उनके पास हुआ वो लोग किए, सोहरा डॉक्टर बाकी यहाँ कोई कुछ नहीं किया, ना कोई नेता ना कोई पार्टी का, कोई भी पार्टी का कुछ नहीं किया। जी शुक्रिया आपका, आपने जिस तरह से अपनी बात को स्पष्ट तौर से रखा है, धन्यवाद। इस चैनल पे दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृत न्यूज सच के साथ।